जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अपडेट है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं इस अप्रेंटिस के बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें कितना सीट है और आपको कितना स्टेपन मिलेगा पर मंथ। सारा डिटेल आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे कि अकोमोडेशन कब मिलेगा और आप कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जो अन्य प्रोसेस है मैं पूरा जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे दूंगा। ये ऑफिशियल PDF है, जिसे SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड। और देखिए, ये प्रशिक्षण 2023 के लिए अधिसूचना जारी किया गया है और इसमें कितना सीट है मैं आप लोगों को भी बता दूं। सिविल से है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बैचलर डिग्री है तो 2 सीट है, और मैकेनिकल इंजीनियर है उसके लिए 5 सीट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2 सीट अवेलेबल है। IT और कंप्यूटर साइंस से आप BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं तो आपके लिए 2 सीट है। टोटल ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए है 10 सीट है। और इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, 1 वीक में आप अपना अप्रेंटिस आईडी कैसे जनरेट कर ले, अदरवाइज आपका जो आईडी रहेगा वो पेंडिंग में चला जाता है। और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो 10+ अपना टेक्निकल डिग्री करता है उन लोगों के लिए, सिविल वालों के लिए फिर 2 सीट अवेलेबल है, मैकेनिकल वालों के लिए 8 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट और IT स्टूडेंट या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए 1 सीट है। टोटल 15 है यहाँ, तो 10+15 25। और जो ITI है इसमें आप 12+ ITI, ग्रेजुएशन प्लस ITI सब अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 सीट है, वायरमैन के लिए 4 सीट है, फिटर के लिए 9 सीट है, प्लम्बर के लिए 2 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 50, 50 नंबर वैकेंसी है। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, इसका जो एज लिमिट है, और सबसे अच्छी बात है कि एज लिमिट तो यहाँ से 18 ईयर टू 30 ईयर्स दिया गया है, लेकिन पास आउट होना चाहिए 2020, 2021, 2022 में पास आउट होना चाहिए। उससे पहले है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ ये NATS पे कर सकते हैं, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंगशिप स्कीम पे आप कर सकते हैं रजिस्टर। और आपको प्रति माह कितना दिया जाएगा, अगर आप ग्रेजुएट है, बी या बीटेक स्टूडेंट है, तो आपको 10,000 पर मंथ प्लस अकोमोडेशन देगा, यानी रहना खाना आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी। फिर डिप्लोमा 8,000, ITI 7,000 पर मंथ मिलेगा आप लोगों को स्टेपन। इसके साथ साथ आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। और इसमें जो वेटेज है वो 10th का वेटेज 20%, 12th का परसेंट भी 20%, और इंजीनियरिंग का जो है वो 60%, यानी टोटल 80%। इसमें मार्क बेसिस आप लोगों का सिलेक्शन होगा, नो इंटरव्यू नो एग्जाम। नो इंटरव्यू तो 100% होगा, एग्जाम नहीं होगा, आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारा चीज यहाँ पे रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, तो आप कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे आवेदन स्वीकृत में 100 रुपये मात्र डिमांड ड्राफ्ट यानी कंपनी के नाम पे आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, आवेदन पत्र का प्रारूप यानी आवेदन पोस्ट, आपको एप्लीकेशन यानी बाय पोस्ट करना पड़ेगा। इनवेलप के थ्रू आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया गया है और ये फॉर्म फिल के करके आपको बाय पोस्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद हो सकता है तो आपके मेल पे या नंबर पे इंटरव्यू के लिए मैसेज भी आए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलता रहे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।